आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Which of the following energy, which of the following energy conversion takes place in the torch? Torch में कौन-कौन सी energy conversion हो रहा है? तो torch में होता है क्या? Torch में finally जो output अपन को मिलता है, output is light अपने को चाहिए होती है। Output क्या होता है? Light। जो final जो energy हमें मिलेगी अपने को, that is light energy। Input कहाँ से मिलता है? Input होता है जो अपने cell लगा रखा है इसमें। Input होता है cell। सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होगी, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसकी वजह से केमिकल एनर्जी को, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी से ये बल्ब जल पाता है। तो ये कन्वर्जन होता है, पहले केमिकल, तो केमिकल टू इलेक्ट्रिक, देन इलेक्ट्रिक टू लाइट। इसलिए सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा कि बल्ब जो सेल है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगी उसमें क्या होगा, उसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अपन टॉर्च के बल्ब को जला पाएंगे। इसलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन वहाँ पे होता है। इलेक्ट्रिक, केमिकल, लाइट, ये सब ऑर्डर सही नहीं है, तो सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ओनली सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।